हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिगर ड्राइंग विद क्लॉथ्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों आपको जो यूज़ करनी है पेंसिल, वो आप नॉर्मल पेंसिल से शुरू कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपकी जो डार्क पेंसिल रहने वाली है वो है आर्ट लाइन की 10B पेंसिल। तो कार्टर शीट दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है, एंड स्टार्ट करना आपको स्टिक फिगर की ड्राइंग के साथ। तो जो दोस्तों मेरे से आप जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से हमें स्टिक फिगर का जो प्रपोर्शन है वो लेना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टिक फिगर, पहले आप अपना जो एक बेसिक ढांचा है, लाइक फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर फिगर ड्राइंग, देन वी विल कंटिन्यू विद द क्लोथ्स एंड अदर मसल्स। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो चीज़ें शुरू करनी है, पहले मैं एक मीडियम साइज यहाँ पर जो अपना मुझे स्टिक से बनाना है, स्टिक फिगर ड्राइंग से। तो विद द हेल्प ऑफ HB पेंसिल आई एम ड्राइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माई फिगर। तो बेसिक स्ट्रक्चर बना लेने के बाद आप डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे दोस्तों टू हाईलाइट योर मेन मेजर पार्ट्स ऑफ योर फिगर, सो डैट यू कैन फील एंड यू कैन मेक दोज हैवी एंड डोमिनेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू शो द क्लोदिंग ओवर योर स्टिक फिगर, देन इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ डार्क पेंसिल। तो यहाँ पर दोस्तों डार्क पेंसिल हमें यूज़ करनी है, और इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हम दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर अपना जो एक फिगर का लाइक फोल्डिंग वाला पार्ट है, उसके स्लीव्स हैं, उन सब चीज़ों को दोस्तों हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड मीडियम शेड यू कैन ऑल्सो एनहेंस योर फिगर ड्राइंग। तो मेन बात दोस्तों हमेशा देखिए, हमेशा ये रहने वाली है कि जब भी आप अपनी फिगर ड्राइंग को शुरू करेंगे तो हमेशा एक लाइट पर्पस से आप उसको शुरू करें, लाइट शेड से उसको शुरू करें, देन धीरे धीरे उसमें जो है चेंजेस देना शुरू करें। किसी भी आर्टिस्ट की जो एक बेसिक स्टडी है वो यही है कि लाइफ टाइम वो बंदा हमेशा जो है स्केचिंग करता रहता है कंटिन्यू डेली बेसिस पे, चाहे वो पोर्ट्रेट हो या स्टिल लाइफ हो, फिगर ड्राइंग हो, लैंडस्केप हो, जो भी चीज़ वो अपने आप को अच्छा करना चाहता है। तो ये ज़रूरी है कि आप उसकी डेली बेसिस पे जो है प्रैक्टिस ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ महीने प्रैक्टिस करेंगे देन बाकी आपकी जो है चीज़ें टाइम के साथ डेवलप हो जाएंगी। इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर वन थिंग इन दिस आर्ट फील्ड और इन योर लाइफ यू लाइक इफ़ यू वांट टू ग्रो योर बॉडी मोर, देन यू हैव टू एक्सरसाइज डेली। सो दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल यू हैव टू अप्लाइड इन योर life, that if you really want to improve your sketching then you have to practice daily at least half an hour। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम जो है वही काम कर रहे हैं, इस तरीके की अगर आपको figure drawing बनानी है या आपको figure drawing में और ज़्यादा improvement चाहिए तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी basic जो एक human anatomy है दोस्तों उसको improve करें, and daily basis पर practice ज़रूर करें। like किसी story को समझ के आप जो है उसके famous characters बना सकते हैं, और नेट से या गूगल से, पिंट्रस्ट से, बीहेंस से अपने जो है आप फिगर्स या फोटोग्राफी उठा सकते हैं, तो उन चीज़ों को बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मुश्किल देखिए हमेशा उस बंदे के लिए या उस आर्टिस्ट के लिए हमेशा आई है जिसने कभी कोशिश ही नहीं की अपनी लाइफ में बेहतर बनने की, बिकॉज़ ये एक ज़रूरी जो है पार्ट है आपकी लाइफ का, कि अगर आपको अपनी लाइफ में अपने आप को बेटर बनाना है और ज़्यादा बेटर बनाना है, सो इसका मतलब है कि आपका जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, एंड डेली बेसिस पे आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ एक डोज है वो बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेने के बाद हम किस तरीके से अपने चेंजेस ला रहे हैं स्टिक ड्राइंग के ऊपर। और आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये एक सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है अपने फिगर ड्राइंग को स्टडी करने का, कि आप पहले स्टिक बनाइए देन उसके ऊपर जो है अपनी मसल्स एंड क्लोदिंग को शो कीजिए। तो स्टैंडिंग फिगर से ही दोस्तों आप अपनी शुरुआत कीजिए। मैं आपको बस एक जो अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यही चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप स्टैंडिंग फिगर, स्टैंडिंग फ्रंट फिगर, स्टैंडिंग बैक फिगर से जो है अपनी ड्राइंग को शुरू करें फिगर ड्राइंग में, देन सिटिंग फिगर, देन फोर शॉर्टनिंग फिगर एंड अदर मोर डिफिकल्ट फिगर्स यू कैन ईजली ड्रॉ इफ़ यू विल प्रैक्टिस द सिंपलेस्ट फिगर्स इन योर अर्ली स्टेजेस। तो अपनी अर्ली स्टेज में आप जो है अपना सिंपल फिगर बनाएं, देन उसके बाद धीरे धीरे अपने डिफिकल्ट फिगर्स को बनाना शुरू करें।
तो इसी तरीके से दोस्तों हमारे जो भी फिगर रहने वाले हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और कॉन्टिन्यूसली सेम पैटर्न के साथ इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो पीछे के ओवरऑल फिगर्स हैं, भीड़ अगर आपको दिखानी है एक रोड पे या स्टेज पे, तो इस तरीके के आप जो है मैनेक्विन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से ज़रूर बहुत कुछ सीखा होगा, वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। तो वीडियो को दोस्तों आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।